जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय दुर्गा। जब सुनाओ मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं क्या है बिल्कुल है बाहर आ रहे हैं आपकी श्याम जी चल 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 बच्चे का सर बस हाथ मार एक बारी ओदे पर हां बस हाथ मारो बल्लरो वाला बीच सेंटर च हाथ मार बीच सेंटर च हाथ मार सर सामने बस यार रिस्ट्रिक्शन देश में जो भी वोट आएगा स्क्रीन देखो टीवी में अंदर ही आके वोटों के छोड़ो खींची जा रही है यार तकलीफ है पीरो सर सामने जाओ देखो जिन जिन्होंने वोट वाले बड़े बड़े लोगों ने अंदर मीडिया जाके फोटो खींचा उनको आई नो बेटर चलो हमारे सड़क पे ही है बस आइए पीछे चाबी डिगी थी कुछ थले फर्क पौंदा साढ़े इत्थे इलेक्शन कमीशन दे वी तो रूल्स अलग अलग होई सकदे अस मतलब कि साडी पार्टी नवी नवी है ओ नेशनल पार्टी है उंदा रूल्स अलग साडे थले कश्मीर च हरा झंडा रिएक्शन कोई नहीं है हम चाहते हैं कि बोर्ड का जो हमने बोर्ड कास्ट किया है भगवान करे कि उस बोर्ड को इज्जत मिले और जो बोर्ड लोगों ने कुर्बानियों के बाद बोर्ड बनाया है जो बोर्ड बना है कुर्बानियाँ देखे लाखों लाखों कुर्बानियाँ भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद राजगुरु सुखदेव हैं इन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इसी बोर्ड के लिए सब कुर्बान हुए थे हम चाहते हैं कि जो उनकी रूहें उनको खुशी मिले जो वाई बोर्ड डाला है और ना कि इन लोगों को डाल के जितना दुख उनको होता है आई नो बेटर तो हमें कोई रिएक्शन नहीं वी आर हैप्पी खुश हैं कि हमने अपना जो जो हमारा ड्यूटी है जो कर्तव्य है हमने निभाया अपना लोकतंत्र में जैसे होता है कैसा माहौल दिख रहे हैं क्या माहौल रब की दया है ठीक है बहुत अच्छा माहौल है बढ़िया माहौल है कोई डिस्टर्ब नहीं लोग पीसफुल लोग हैं यहाँ के हमारे लोग पंगे नहीं करते ये कोई भी यहाँ ना हो सिक्योरिटी यहाँ फिर भी कुछ नहीं होगा ये हमारा घर है यहाँ हमारे घर के लोग हमारे मोहल्ले के लोग कभी भी नहीं आपने देखा होगा जहाँ कोई फसाद हुआ झगड़ा हुआ और मैंने आज तक जो एजिटेशनें की हैं एक साल हो गया 369 दिन हो गए बताइए किसी पत्थर चला कोई झगड़ा हुआ कोई क्लेश हुआ तो ये हमारी आदत नहीं है हमारी आदत लोकतंत्र में रहना है लोकतंत्र की तरह रहना है और लोकराज को मजबूत करना है दिस इज़ वेरी क्लियर और इस लोकतंत्र में जो डोगरों को दबाया गया है इन कश्मीर के लोकतंत्र ने और दिल्ली के उन लोगों ने जो आके यहाँ से अलायंस करेंगे दिल्ली कश्मीर के साथ और यहाँ का हर मुलाजिम हर बेरोज़गार हर किसान जहाँ चक्की में पिसता रहेगा नहीं चलेगा या किसी की ट्रांसफ़र होनी हो कश्मीर का प्रेशर या कुछ होना उसका प्रेशर 97% लोग कश्मीर के सेक्टर में बैठे हैं कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के सेक्टर में व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर आज हमने देखा कि सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि चौधरी लाल सिंह ने भाजपा ज्वाइन कर ली है इस तरीके के प्रोपोगंडे चलाए जा रहे हैं इसके ऊपर क्या कहें इन्होंने तो जिस दिन से मैं लड़ रहा हूँ उस दिन से यही बकवास किया है ये इमेच्योर लोग हैं इनको मेच्योरिटी नहीं है मैं बचपना है बचकनापन है आई एम सॉरी इनको शर्म आ रही है क्या इलेक्शन लड़ते आखिरी दिन रहा पीड़ पड़ गई ये शोशा छोड़ेंगे और लोग वोट डाल देंगे कुछ परसेंटेज इधर की उधर हो जाएगी लोग बेवकूफ़ नहीं हैं लाल सिंह ना ये इनको ज्वाइन करेगा ना इनसे जुले मिलेगा और डोगरों के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ ये निशान डोगरों का स्वाभिमान पहले बार है उसी के लिए लड़ता रहूँगा सर 5 साल मोदी जी ने विकास की बात की लेकिन आखिर में ताकि वो पाकिस्तान बालाकोट इसके ऊपर वोट मांग रहे तो एक्चुअली विकास होता तो क्यों करते हैं सर विकास हो नहीं पाया ना मोदी साहब के लिए वोट तो लोग मांगते हैं लेकिन पूछा जाए कि मोदी साहब ने 50,000 करोड़ रुपया अपने बनारस में लगाया हमारे भी 5-5 हज़ार रुपया करोड़ रुपया लगा देता था उधम डोडा कॉन्स्टिट्यूंस में क्या तकलीफ थी
यहाँ के लोग खड्डे में रहेंगे, सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी, यहाँ के हॉस्पिटल में लोग तरसते रहेंगे, यहाँ की चीज़ें सारी बर्बाद होती रहेंगी। क्या है मोदी साहब जी, अगर आप सब इतने प्रिय बनना है तो सबको पैसे बराबर बांटा करो, जितने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटे तकसीम में सबको बराबर होनी चाहिए। वर्जिस